अस्सलाम वालेकुम खवातीन साहब, ये है मेरा आज का दूसरा वीलॉग। आज वही सैटरडे है, जून की 18। अच्छा, अभी मैं देख रहा था समी इब्राहिम का वीलॉग, शायद कल का वीलॉग था। तो उसमें समी साहब जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे जूलियन असांज को। अब याद होगा कि वो जो विकी लीक्स हुई थी, वो जो केबल्स लीक की थी उन्होंने हज़ारों के हिसाब से, तो उसमें जिक्र कर रहे थे कि जी एक ज़माने में मोहम्मद बिन जैद यूएई का जो क्राउन प्रिंस था, शायद 2009 की बात हो रही थी, उसमें उससे किसी ने पूछा जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में। तो उसने नवाज शरीफ के बारे में कहा कि जो नवाज शरीफ है ना, ये जो है अच्छा, पहले उसने पूछा जरदारी के बारे में, तो उसने पूछा जरदारी के बारे में, कहता है कि जरदारी जो है ये डर्टी है, यानी कि करप्ट है, जो हमें भी पता है, लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं है, मतलब उस तरह के काम नहीं करेगा मारने मारने वाले, लेकिन डर्टी है। तो पूछा नवाज शरीफ के बारे में, मतलब वो जो केबल पकड़ी गई है, तो वो कहता है कि नवाज शरीफ इसका ऑपोजिट है, नवाज शरीफ जो है वो उतना डर्टी नहीं है जितना जरदारी है, लेकिन ये ख़तरनाक आदमी है जो नवाज शरीफ है। तो आप देखें आजकल, अगर इसको आजकल से मैप करें, अब दोनों मिल गए हैं, यानी कि एक अखीर गंदा आदमी करप्ट, इधर से अखीर ख़तरनाक आदमी, अब दोनों ही कॉम्बिनेशन मिल गए हैं। तो ये बात मैं ज़हन इसलिए आई थी कि आजकल वो एक न्यूज़ वायरल चल रही है खांसा के बारे में, कि किसी ने को बंदा है कोई कूची के नाम से, या कूची या कोची के नाम से बंदा है कोई, पता नहीं अफगानिस्तान में कहाँ पे है, तो उसको सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पर कि उसको सुपारी दी गई है खांसा को मारने की, और वो सुना कि वो असैसिन है और बड़ा वो बदनाम है, वो पहले भी काम कर चुका है और सक्सेसफुली कर चुका है, वो कैसे करता है वो तो किसी को नहीं पता ऑब्वियसली, लेकिन अभी भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है, और काफ़ी आप देखोगे वीलॉग्स तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट चैनल से न्यूज़ आ रही है कि उसको सुपारी दी है उन्होंने, कितनी सुपारी है, वो क्या करेगा। तो वैसे भी खांसा तो वैसे भी काफ़ी अच्छे से कह रहे हैं कि जी ये जो मुझे थ्रेट्स हैं, यानी कि लीथल थ्रेट्स हैं, और हमारी इंटेलिजेंस है वो भी कह रही है। तो मैं उससे मैप कर रहा था कि अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, महाचोर और इधर से जो एक ख़तरनाक आदमी, और आजकल वैसे भी कितने बंदे मर रहे हैं इत्तेफाक, डबल कोर्ट्स में इत्तेफाक से, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, तो अब पता नहीं ये प्लान कितना सच्चा है। हम तो दुआ करेंगे ना कि जी, मतलब सारे दुआ करेंगे कि खान साहब की जो लाइफ है वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ तो सबकी इंपॉर्टेंट है, कर्जदारी और नवाशिफ हो, किसी को भी कुछ होता है आजकल के ज़माने में, तो वो फैट टाइप और सारा वो जो पूरा चल रहा है मसला, वो सारा कटमट हो जाएगा, तो लाइफ साहब सबकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खान साहब की चूँकि स्पेशल है, क्योंकि वो सारा जो स्टेटस को है उसके खिलाफ खड़े हैं। और तो बार ये मैं न्यूज़ कह रहा था कि दोनों न्यूज़ आपस में मिल रही थी, कि जो समी इब्राहिम की बात कि गंदा और ख़तरनाक मिल गया, इधर से ये न्यूज़ आ गई कि उसकी सुपारी दी गई है खांसा को मारने की। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। तो यही था मेरा आज का वीलॉग, थैंक यू।